नमस्ते दोस्तों, हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आर एस अग्रवाल के प्रैक्टिस सेट जो कि सिनोनिम से रिलेटेड है उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला वर्ड है स्पाइट, यानी द्वेष, हेट, किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है कंसर्न यानी चिंता, ध्यान रखना, फिकर करना। ऑप्शन ए का मीनिंग स्पाइट वर्ड से उल्टा ही है ना, इसीलिए हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ओके, ऑप्शन बी है एडमिरेशन यानी प्रशंसा, आदर करना। ये ऑप्शन भी स्पाइट वर्ड से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। एडमिरेशन पॉजिटिव वर्ड है और स्पाइट नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए ऑप्शन बी को भी हम एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन सी है मेलाइस यानी कि द्वेष, किसी के लिए गलत भावनाएं होना, उनके लिए गलत सोचना। ये वर्ड और द्वेष दोनों वर्ड की मीनिंग सिमिलर है और दोनों ही वर्ड नेगेटिव है। एक बार ऑप्शन डी समझ के फाइनल आंसर डिसाइड करेंगे। ऑप्शन डी है इनडिफरेंस यानी उदासीनता, बेपरवाह, ऐसा जिसे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। क्लियरली ऑप्शन डी तो स्पाइट वर्ड के मीनिंग से मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसे भी एलिमिनेट करेंगे। सो यस, वी वर राइट। करेक्ट सिनोनिम फॉर स्पाइट इज ऑप्शन सी, मलाइस, द्वेष, गलत भावना। फिल्ड विथ मलाइस और स्पाइट आई ब्रोक माई कार्स विंडो। वर्ड है डेबिलिटी यानी दुर्बल करना, कमजोर बनाना। ऑप्शन ए है वीकन यानी कमजोर, दुर्बल होना। ऑप्शन ए पूरी तरह से इस वर्ड के मीनिंग से मैच हो रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। फिर भी एक बार बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फाइनल आंसर डिसाइड करेंगे। ऑप्शन बी अटैक यानी हमला, आक्रमण करना, ये मैच नहीं करता, इसे एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन सी सरमाउंट यानी जीतना, विजयी होना, ये मीनिंग भी बिल्कुल मैच नहीं करता, इसे भी हम एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन डी है डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, उजाड़ना, ये मीनिंग भी बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा, इसीलिए ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हो जाता है। सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर डेबिलिटेट इज ऑप्शन ए वीकन, दुर्बल, कमजोर। कैंसर कैन डेबिलिटेट, कैन वीकन एन हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटेशियस यानी दिखावटी, किसी भी बात पे शो ऑफ करना, दिखावा करना। ऑप्शन ए है प्रिटी यानी सुंदर, वाओ शी लुक्स सो प्रिटी, सुंदर। ऑप्शन बी है मॉडेस्ट यानी नम्र, ऐसा जो विनम्रता से बिहेव करता है। ऑप्शन सी है शोई यानी दिखावटी, शो ऑफ। ये मीनिंग मैच कर रहा है, फिर भी एक बार ऑप्शन डी देखेंगे। ऑप्शन डी है फ्लेग्रेंट यानी जो आक्रामक हो, वैसा, अपमानजनक जैसा। अब जानेंगे कि हमने ऑप्शन ए बी और डी को एलिमिनेट क्यों किया। ऑप्शन ए प्रिटी, सुंदर। अब सुंदर होना और दिखावट करना दोनों के मीनिंग अलग है, इसीलिए प्रिटी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। वैसे ही मॉडेस्ट नम्र का भी मीनिंग दिखावटी से मैच नहीं करता, इसीलिए ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है। और ऑप्शन डी फ्लेग्रेंट का भी मीनिंग उस वर्ड के मीनिंग से बिल्कुल मैच नहीं करता। ऑप्शन बी शोई वर्ड ऑब्स्टेंटेशियस से पूरी तरह से मैच करता है। सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर ऑब्स्टेंटेशियस इज ऑप्शन सी शोई, दिखावटी, शो ऑफ करना। दिस आउटफिट इज टू ऑब्स्टेंटेशियस, टू शोई फॉर दिस ओकेशन। नेक्स्ट वर्ड है एफेबल यानी मिलनसार, ऐसा जो सुशील हो और फ्रेंडली बिहेव करता हो। ऑप्शंस देखते हैं। आंसर ऑप्शन ए है क्लियरली पता चल रहा है, फिर भी हम जानेंगे कि हमने बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट क्यों किया। ऑप्शन ए है फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्व, शी इज सो फ्रेंडली। ये मीनिंग एकदम ही मैच हुआ एफेबल वर्ड से। ऑप्शन बी चीयरफुल यानी जो खुशियां देता हो, वैसा, हसमुख, खुश दिल, ये मैच नहीं करता है, इसीलिए एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन सी है हेल्पफुल यानी सहायता करना, सहायता करना और फ्रेंडली बिहेव करना दोनों ही अलग अलग हुआ, इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हैं। ओके, ऑप्शन डी है न्यूट्रल यानी तटस्थ, निष्पक्ष,
ये भी एफेबल वर्ब के मीनिंग से बिल्कुल मैच नहीं करता, इसीलिए इसे भी एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि हमने जाना, करेक्ट सिनोनिम फॉर एफेबल इज ऑप्शन ए फ्रेंडली, मिलनसार। ऑलवेज ट्राई बीइंग मोर एफेबल, मोर फ्रेंडली विद एवरीवन, ओके। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्लेक्ट, यानी मोड़ना, किसी रास्ते से फिर जाना जो कि गलत रास्ता है। ऑप्शन ए है फ्रस्ट्रेट, यानी हताश, निराश होना। ऑप्शन बी है चीट, यानी धोखा देना, चाल करना। ऑप्शन सी परवर्ट, यानी जो बिगड़ा हुआ है, गलत रास्ते पे चल रहा है। ऑप्शन डी है डिप्रेस, यानी उदास, कहते हैं ना, ही सो डिप्रेस, उदास। अब चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा यहाँ। ऑप्शन ए फ्रस्ट्रेट होना और गलत रास्ते पे चलना दोनों ही अलग अलग बातें होती है, इसीलिए ये मैच नहीं करता, इसे हम एलिमिनेट करेंगे, ओके। ऑप्शन बी चीट और डिफ्लेक्ट भी मैच नहीं करते, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन सी परवर्ट, गलत रास्ते पे हो वैसा, ये मीनिंग डिफ्लेक्ट वर्ड से क्लियरली मैच हो रहा है। फिर भी एक बार ऑप्शन डी देख लेंगे, दैट इज डिप्रेस, यहाँ डिप्रेस और डिफ्लेक्ट दोनों ही अलग अलग है, इसीलिए ये भी एलिमिनेट हो जाता है। सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर डिफ्लेक्ट इज ऑप्शन सी परवर्ट, गलत रास्ते में चलना, बात को मोड़ना। नेक्स्ट आता है वन डॉडल, यानी समय नष्ट करना, टाइम वेस्ट करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन ए है एसएस, यानी आकलन करना। अब एसएस करना और समय नष्ट करना दोनों अलग होता है, मैच नहीं करता, इसीलिए ऑप्शन ए को हम तुरंत ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इवेल्युएट, यानी मूल्यांकन करना, किसी भी चीज या चीज का मूल्य तय करना। यहाँ मूल्य तय करना और समय नष्ट करना दोनों ही अलग बातें हैं, इसीलिए ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन सी है फिकल, यानी चंचल। ऑप्शन सी भी डॉडल वर्ड के मीनिंग से बिल्कुल ही मैच नहीं करता, तो क्लियरली यहाँ ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन डी है लॉयटर, यानी ताल मटोल करना, आवारागर्दी करना, बिना किसी लक्ष्य के समय बर्बाद करना, इधर उधर घूमना। लॉयटर का मीनिंग सुनते ही समझ आ रहा है कि ऑप्शन डी डॉडल के मीनिंग से एकदम ही मैच करता है। सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर डॉडल इज ऑप्शन डी लॉयटर, समय नष्ट करना, ताल मटोल करना। डोंट डॉडल, वी आर लेट ऑलरेडी, डोंट डॉडल, डोंट लॉयटर, क्लियर फॉर ऑल। आता है वर्ड एग्जॉर्बिटेंट, यानी अत्यधिक, बेशुमार, जरूरत से ज्यादा होना। ऑप्शन ए है ऑड, यानी विशाल अजीब। ऑप्शन बी है रिडिकुलस, यानी हास्यास्पद, कहते हैं ना, स्टॉप बीइंग सो रिडिकुलस, अनुचित बातों पे कभी कभी कहते हैं। ऑप्शन सी है एक्सेसिव, यानी उत्कृष्ट, अत्यधिक, जरूरत से ज्यादा होना। ऑप्शन डी है थ्रेटनिंग, यानी धमकी देना, किसी को धमकाना। सारे ऑप्शन के मीनिंग समझ के क्लियर पता चल रहा है कि ऑप्शन सी एक्सेसिव का मीनिंग एग्जॉर्बिटेंट से मैच हो रहा है। ऑप्शन ए बी एंड डी को हम यहाँ एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि अजीब होना, रिडिक्युलस, धमकी देना, ये तीनों मीनिंग अत्यधिक, बेशुमार से मैच नहीं करते हैं। सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर एग्जॉर्बिटेंट इज ऑप्शन सी एक्सेसिव, अत्यधिक, बेशुमार। द बिल फॉर डिनर वॉज एग्जॉर्बिटेंट, वॉज एक्सेसिव। नेक्स्ट आता है वर्ड पाइवोटल, यानी केंद्रीय, बुनियादी, जो काफी महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए है मूवेबल, यानी चलनशील, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते। ऑप्शन बी है क्रूशियल, यानी महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट हो वैसा। ऑप्शन सी इंटरनल, यानी अंदर का, अंदरूनी। ऑप्शन डी मैकेनिकल, यानी यंत्रिक, कोई मशीन ऐसा जो अपने आप काम करता हो। यहाँ ऑप्शन ए मूवेबल और पाइवोटल दोनों ही मैच नहीं होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन बी क्रूशियल और पाइवोटल मैच हो रहे, दोनों के मीनिंग मैच हो रहे हैं, महत्वपूर्ण हो ऐसा। फिर भी एक बार बाकी के ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन सी इंटरनल, अंदरूनी और महत्वपूर्ण दोनों अलग हुआ, इसीलिए ऑप्शन सी इंटरनल को हम एलिमिनेट करेंगे। वैसे ही ऑप्शन डी मैकेनिकल तो जरा भी मैच नहीं करता, क्लियरली पता चल रहा है, इसीलिए उसे भी एलिमिनेट करेंगे।
सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर पाइवोटल इज ऑप्शन बी क्रूशियल, महत्वपूर्ण. गुड कस्टमर सर्विस इज पाइवोटल, इज क्रूशियल फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस. नेक्स्ट आता है वर्ड वल्गर, यानी अशिष्ट, असभ्य भी कह सकते हैं. ऑप्शन है थॉटलेस यानी अलहड, विचारहीन. ऑप्शन बी अनकाइंड यानी निर्दयी. ऑप्शन सी कोर्स यानी असभ्य, अश्लील. ऑप्शन डी इलिटरेट यानी अनपढ़. तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, मीनिंग समझने के बाद क्लियर है कि आंसर कोर्स होगा. हमने ऑप्शन ए बी और डी को एलिमिनेट किया क्योंकि अलहड़, निर्दयी, अनपढ़, इनमें से किसी भी वर्ड का मीनिंग वल्गर, अशिष्ट, असभ्य से मैच नहीं होता है. सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर वल्गर इज ऑप्शन सी कोर्स, असभ्य, अशिष्ट. आई विल नॉट टॉलरेट सच कोर्स वल्गर लैंग्वेज. आता है वर्ड ऑबवर्स यानी अग्र, किसी भी चीज के सामने का भाग. ऑप्शन ए बिटर यानी कड़वा. ऑप्शन बी रिवर्स यानी उलटना. ऑप्शन सी अपोजिट यानी सामने का. वो मेरे घर के सामने ही रहते हैं, अपोजिट टू माय हाउस, सामने का. ऑप्शन डी एडवर्स यानी भी विपरीत. अब यहाँ करेक्ट आंसर है अपोजिट, क्योंकि बिटर ही कड़वा, रिवर्स यानी उलटना और एडवर्स यानी विपरीत. क्या इनमें से कुछ भी ऑबवर्स अग्र से मैच करता है? नहीं ना. सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर ऑबवर्स इज ऑप्शन सी अपोजिट, सामने का. सैडनेस इज ऑबवर्स और अपोजिट ऑफ हैप्पीनेस. आता है वर्ड मिर्थ यानी प्रमोद, आनंद, खुशी. ऑप्शन ए सौरो यानी शोक. यानी क्लियरली ये वर्ड तो मिर्थ से अपोजिट हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए को हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे. ऑप्शन बी एंथुसियाज्म यानी उत्साह. अब उत्सुक होना और खुश होना भी अलग अलग होता है. उत्साही एक्साइटमेंट में होता है और खुश होना हैप्पी होना, वो फीलिंग इमोशन होता है, इसीलिए एंथुसियाज्म ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे. ऑप्शन सी है एडवेंचर यानी शशिक, साहस करना. ये ऑप्शन भी बिल्कुल मैच नहीं करता, इसीलिए हम इसे भी एलिमिनेट करेंगे. ओके ओके. ऑप्शन डी है मेरीमेंट यानी आमोद, आनंद, खुशियाँ. क्लियरली ऑप्शन डी मर्थ वर्ड के मीनिंग से मैच हो रहा है. सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर मिर्थ इज ऑप्शन डी मेरीमेंट, आनंद, खुशियाँ. ही नेवर डिस्प्लेज एनी मिर्थ, हिज मेरीमेंट. आता है वर्ड टेरिफिक यानी भयानक, खौफनाक. ऑप्शन ए है बिग यानी बड़ा. ऑप्शन बी एक्सीलेंट यानी अति उत्कृष्ट, श्रेष्ठ. ऑप्शन सी ट्रेजिक यानी दुखद. ऑप्शन डी टेरिबल यानी भयानक. यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, क्लियरली पता चल रहा है. ऑप्शन ए बी सी को हमने क्यों एलिमिनेट किया देखते हैं. बिग, एक्सीडेंट, ट्रेजिक, इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग टेरिफिक से बिल्कुल ही मैच नहीं करते, इसीलिए इन तीनों ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करते हैं. सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर टेरिफिक इज ऑप्शन डी, ठीक है, टेरिबल. आता है वर्ड डिलिजेंट यानी मेहनती, परिश्रमी. ऑप्शन ए है इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान. ऑप्शन बी एनर्जेटिक यानी शक्तिशाली. ऑप्शन सी मॉडेस्ट यानी मामूली, साधारण. ऑप्शन डी इंडस्ट्रियस यानी मेहनती. यहाँ भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, क्लियरली पता चल रहा है. एज ऑलवेज देखेंगे कि बाकी के ऑप्शन हमने क्यों एलिमिनेट किए. ऑप्शन ए इंटेलिजेंट और मेहनती दोनों ही अलग अलग है, वैसे ही ऑप्शन बी एंड सी शक्तिशाली और मामूली भी मैच नहीं होते हैं. सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर डिलिजेंट इज ऑप्शन डी इंडस्ट्रियस, मेहनती, परिश्रमी. ही इज अ डिलिजेंट वर्कर. नेक्स्ट आता है वर्ड एब्रिज यानी संक्षेप करना, काट शाट करना. ऑप्शन ए है एबॉर्ट यानी गर्भपात, पेट गिराना. ऑप्शन बी स्पेन यानी अवधि, वो कहते हैं ना टाइम स्पेन. ऑप्शन सी शॉर्टन यानी छोटा करना. ऑप्शन डी क्रॉस यानी पार करना. चलिए देखते हैं यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा. ऑप्शन ए एबॉर्ट यानी गर्भपात, ये वर्ड तो मैच नहीं करता, इसीलिए इसे एलिमिनेट करेंगे. ऑप्शन बी स्पेन अवधि, ये भी मैच नहीं करता है ब्रिज के मीनिंग से, इसीलिए इसे भी एलिमिनेट करेंगे. ऑप्शन सी है शॉर्टन यानी छोटा करना. ये मैच कर रहा है, छोटा करना या काट शाट करना, संक्षेप करना, मिलते जुलते वर्ड्स है ना.
फिर भी एक बार ऑप्शन डी चेक करके फाइनल आंसर डिसाइड करेंगे। ऑप्शन डी है क्रॉस, पार करना। अब ये मीनिंग तो बिल्कुल ही मैच नहीं करता। सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर ए ब्रिज इज ऑप्शन सी, शॉर्टन, छोटा करना, काट शॉर्ट करना। द बुक वॉज एब्रिज्ड, वॉज शॉर्टन फॉर चिल्ड्रन। हाउएवर फॉल्स यानी असत्य। ऑप्शन ए है डिफेक्टिव यानी दोषपूर्ण, खराब। ये ऑप्शन फॉल्स वर्ड से मैच नहीं करता है, इसीलिए इसे हम एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन बी अनट्रू यानी बेईमान, झूठ, असत्य। ये मैच हो रहा है और राइट आंसर भी यही है, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन सी एंड डी को क्यों एलिमिनेट करेंगे समझते हैं। ऑप्शन सी इनकरेक्ट यानी भी दोषपूर्ण, ऐसा जो पूरी तरह से सही ना हो, डिफेक्टिव जैसा, सिमिलर टू ऑप्शन ए, इसीलिए हमने इसे एलिमिनेट किया। ओके, ऑप्शन डी इनएक्यूरेट यानी गलत, एक्यूरेट यानी पूरी तरह से सही, और इनएक्यूरेट यानी जो एकदम से सही ना हो वैसा, फॉल्टी, जिसमें गलतियां हो वैसा। पर फॉल्स यानी जो कि गलत ही है, पूरी तरह से पक्का ही है कि गलत ही है वो, इसीलिए इनएक्यूरेट भी एकदम से फॉल्स वर्ड से मैच नहीं करता और हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते हैं। सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर फॉल्स इज ऑप्शन बी, अनट्रू, असत्य। दिस इज अ एन अनट्रू स्टोरी, अ फॉल्स स्टोरी। नेक्स्ट आता है वर्ड एनथेमा यानी अभिशाप। यहाँ तो ऑप्शंस देखते ही पता चल जा रहा है कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कर्स है, अभिशाप। फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस के मीनिंग समझेंगे और जानेंगे कि हमने ऑप्शन ए बी सी को क्यों एलिमिनेट किया। ऑप्शन ए रिलीजियस टेंट यानी धार्मिक जाप। अब धार्मिक और अभिशाप दोनों ही अलग अलग हुए ना, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, इसीलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन बी पन यानी यमक, और ये भी अभिशाप से मैच नहीं होता, इसीलिए एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन सी म्यूजिकल सब्जेक्ट यानी संगीत विषय। अब म्यूजिक और अभिशाप कहीं से भी मैच नहीं होते हैं, इसीलिए एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है कर्ज यानी अभिशाप, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि एनाथेमा आल्सो मींस अभिशाप। सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर एनाथेमा इज ऑप्शन डी, कर्ज, अभिशाप। ब्लाइंड फेथ हैज बीन एन एनाथेमा, अ कर्ज टू साइंस, अंधविश्वास अभिशाप है। नेक्स्ट आता है वर्ड निगार्ड यानी कंजूस। ऑप्शन ए है माइजर यानी कंजूस। ओ, ये तो बिल्कुल ही मैच कर रहा है, लेकिन एक बार फिर भी बाकी के ऑप्शंस को हम समझेंगे, एज ऑलवेज फिर फाइनल आंसर डिसाइड करेंगे। ऑप्शन बी लॉयल यानी वफादार, ये मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन सी डिवाइन यानी दिव्य, पवित्र, ये भी मैच नहीं करता, इसीलिए इसे भी एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन डी श्रेड यानी चालाक, ये ऑप्शन भी क्लियरली मैच नहीं करता, इसीलिए एलिमिनेट हो जाता है। इसीलिए क्लियरली करेक्ट सिनोनिम फॉर निगार्ड इज ऑप्शन ए माइजर, कंजूस। दिस माइजर पर्सन, दिस निगार्ड पर्सन लव्स गोल्ड ओवर लाइफ। नेक्स्ट आता है वर्ड प्लेसिड यानी तसल्ली देना, किसी को दिलासा देना। ऑप्शन ए है पेटी यानी दया, दया करना। ऑप्शन बी एम्ब्रॉयल यानी उलझना, गड़बड़ होना। ऑप्शन सी अपीज यानी शांत करना, खुश करना। ऑप्शन डी अम्यूज यानी मन बहलाना, मनोरंजन करना। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अपीज, क्योंकि ऑप्शन ए पिटी, दया, ये वर्ड प्लेसिड, तसल्ली देना से मैच नहीं करता, इसलिए वो एलिमिनेट हो जाता है। वैसे ही ऑप्शन बी एम्ब्रॉय उलझना और ऑप्शन डी अम्यूज मन बहलाना भी प्लेसिड से मैच नहीं करता है, इसीलिए वो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाते हैं। So the correct synonym for the word placid is option C, appease, यानी शांत करना, तसल्ली देना। चाहता है word abnegation, अस्वीकार, किसी बात को मना करना, अस्वीकार करना। Options देखते हैं। Option A है self denial, आत्मा इनकार करना। Option B self sacrifice, यानी आत्मा बलिदान। Option C है self praise, यानी आत्मा प्रशंसा। और ऑप्शन डी है सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी आत्मा आलोचना। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेल्फ डिनायल, आत्मा इनकार, क्योंकि आत्मा बलिदान, आत्मा प्रशंसा, आत्मा आलोचना
ये तीनों में से एक भी ऑप्शन एब्निगेशन वर्ड के मीनिंग अस्वीकार से मैच नहीं करते। सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर एब्निगेशन इज ऑप्शन ए सेल्फ डिनायल, आत्मा इनकार। द प्रीस्ट एब्निगेशन हिज सेल्फ डिनायल ऑफ हिज फेथ वाज अ शॉक टू एवरीवन इन कम्युनिटी। नेक्स्ट आता है वर्ड सुपरविन, पीछे आना, बीच में आ पड़ना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एनस्यू, पीछा करना, खोज करना। अब ये ऑप्शन का मीनिंग सुपरविन वर्ड से मैच नहीं करता है, इसीलिए हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन बी है इंटरफेयर, यानी दखल देना, किसी भी चीज या बात में बीच में आ पड़ना। हाँ, ये ऑप्शन सुपरविन वर्ड से मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी फाइनल आंसर डिसाइड करने से पहले हम ऑप्शन सी और डी को एक बार समझेंगे, उसके बाद ही एलिमिनेट करेंगे और डिसाइड करेंगे। ऑप्शन सी है डिस्प्लेस, यानी विस्थापित करना, किसी भी चीज का स्थान बदलना। अब स्थान बदलना या बीच में आना, दोनों अलग अलग बातें हैं, इसीलिए ऑप्शन सी डिस्प्लेस भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन डी है प्रसिद्ध, यानी बेहतर होना, ये ऑप्शन भी मैच नहीं करता है सुपरविन वर्ड से, इसीलिए ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाता है। सो जैसे कि हमने समझा, करेक्ट सिनोनिम फॉर सुपरविन इज ऑप्शन बी इंटरफेयर, दखल देना, पीछे आना, किसी भी चीज या बात के बीच में आ पड़ना। इट मे सुपरविन विद इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है वर्ड एब्रिड, यानी नष्ट करना। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए है स्कोल्ड, यानी डांटना। ऑप्शन बी अटैच, यानी संलग्न करना, बांधना, जोड़ना। ऑप्शन सी वेयर ऑफ, यानी मिट जाना, घिसके कम होना। ऑप्शन डी ट्विस्ट, यानी मोड़, कहानी में ट्विस्ट कहते हैं ना, मोड़ आना। तो चलिए देखते हैं यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है स्कोल्ड, डांटना। अब डांटना और नष्ट करना दोनों ही अलग अलग बातें होती है, इसीलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन बी है अटैच, बांधना, जोड़ना, ये भी मैच नहीं करता एब्रिड वर्ड की मीनिंग से, इसीलिए हम ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन सी है वेयर ऑफ, यानी के मिट जाना, घिसके कम होना, और एब्रिड यानी नष्ट करना, मीनिंग मैच हो रहा है, लेकिन एक बार ऑप्शन डी चेक करेंगे, उसके बाद ही फाइनल आंसर डिसाइड करेंगे। ऑप्शन डी है ट्विस्ट, मोड़ आना। अब मोड़ आना कहानी में या किसी चीज को नष्ट करना दोनों ही अलग अलग हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाता है। और जैसे कि हमने पहले सोचा, ऑप्शन सी वेयर ऑफ, मिट जाना, एब्रिड वर्ड के मीनिंग से मैच कर रहा है, इसीलिए। सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर अब्रॉड एब्रिड इज ऑप्शन सी वेयर ऑफ, मिट जाना, नष्ट करना। डू नॉट एब्रेड द स्किन बाय यूजिंग अ स्क्रब ब्रश, डू नॉट वेयर ऑफ। फिर में आता है वर्ड सैंग्विन, यानी आशावादी। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए है क्लेवर, यानी चालाक। ऑप्शन बी प्राउड, यानी गर्व। ऑप्शन सी होपफुल, यानी उम्मीद। ऑप्शन डी मॉडेस्ट, यानी मामूली। अब यहाँ करेक्ट आंसर क्लियरली पता चल रहा है कि होपफुल, उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए क्लेवर, चालाक, ऑप्शन बी प्राउड यानी गर्व, और ऑप्शन डी मॉडेस्ट यानी मामूली। इन तीनों में से एक भी ऑप्शन सैंग्विन वर्ड यानी कि आशावादी के मीनिंग से मैच नहीं करते हैं। सो क्लियरली द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड सैंग्विन इज ऑप्शन सी होपफुल, उम्मीद। ही सीम्ड सैंग्विन, होपफुल अबाउट हिज चांसेस ऑफ सक्सेस। ये था हमारा आज का सिनोनिम का सेशन। उम्मीद है आपको कई सारे वर्ड सीखने मिले होंगे और आपके कई सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, समझिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया हो तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलते रहे। तो अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।